नमस्कार, मैं हूँ एसकेपी 7 न्यूज से श्वेता कश्यप। बिहार विधानसभा 2020 का चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। आज 1 अक्टूबर को नामांकन का प्रथम दिन है। पूरे बिहार में प्रथम चरण के 71 सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो गई है। वही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का निष्पक्ष, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए नालंदा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग की तिथि की घोषणा के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में समाहरणालय स्थित हरदेव भवन में नालंदा डीएम योगेंद्र सिंह एवं एसपी नीलेश कुमार ने अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में डीएम योगेंद्र सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा जिले के 7 विधानसभा सीटों की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जा रही है। जिले में चुनाव को लेकर गठित विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों के साथ आज नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने हरदेव भवन में बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक कोषांग की तैयारी का क्या स्थिति है, कितना आगे बढ़े हैं, क्या करने की उसमें गुंजाइश है, कहाँ पर अभी कमी है, ताकि उसको तेजी से हम लोग करवा सकें। तो उन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पर समीक्षा सभी लोगों से की जा रही है। चुनाव की लगभग तैयारी लगभग पूरी कर ली जा रही है सब? हाँ, तैयारी की स्थिति जो है वो ठीक ठाक है। अभी सामग्री वगैरह भी पहुँचना शुरू हो गया है। बाकी जो बूथ से संबंधित है वो भी सभी तैयारियाँ की जा रही हैं, और बाकी जो तिथियों के हिसाब से तैयारियाँ की जानी हैं, आरोग्य स्तर से तैयारियाँ की जानी हैं, वो भी तैयारियाँ सभी की जा रही हैं।